11:30 हो चुका है और यहाँ पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। बहुत लेट आते हैं सर जी, बहुत लेट आते हैं। कितना बजे आते हैं? 10:11। और आप कितना बजे? अब देखिए स्कूल की थोड़ी सी स्थिति भी देख लेते हैं कि स्कूल में किचन सेट कैसा है। अभी तो आप बोल रहे थे कि खाना बन जाता है 9 बजे, तो अभी तक खाना बना क्यों सर? नहीं है सिलेंडर। देखिए यहाँ कल चलाए और ये देखिए पानी निकल रहा है, आपको दिख रहा है ना पानी? तो ये देखिए इधर से कल चलाए और इधर से पानी निकल गया। ये शौचालय है। विद्यार्थी लोगों को 9 बजे इन्फॉर्म किया जाता है कि वह सब स्कूल में प्रेजेंट रहे और शिक्षक स्वयं आते हैं 11 बजे। तो आप एक है, एक मैम अंदर है, तो चार शिक्षक कहाँ हैं? ये सारे टीचर हैं, अपने समय से आते हैं, 10:30 बजे 11 बजे आते हैं। इनको कोई मतलब कुछ मतलब है ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल के टीचरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अगर कुछ दिनों तक अगर वेतन ना मिले तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई सही से नहीं हो तो इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये गायघाट की तस्वीर है और जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा ग्राउंड पे आए हैं। अभी टाइम हम आपको दिखाएंगे कि समय अभी है 11 बज गया है और ग्रामीणों लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा जहाँ सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होते। पहले हम ग्रामीण से बात करते हैं, उसके बाद शिक्षकों से बात करेंगे, उसके बाद यहाँ जो विद्यार्थी है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कृष्ण मोहन मिश्रा। यहाँ के आप स्थायी ग्रामीण है क्या? हाँ जी। तो आप यहाँ के स्थायी निवासी है, क्या कुछ परेशानी आ रही है इस सरकारी स्कूल में ये बताइए? इस स्कूल का तो कुछ मतलब नियम कानून ही नहीं है। ये सारे टीचर हैं, अपने समय से आते हैं, 10:30 बजे 11 बजे आते हैं। इनको कोई मतलब कुछ मतलब है ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं है। बच्चे लोग आते हैं, खेलते हैं, सामने हाईवे है, एक्सीडेंट हो जाए, छत पर से गिर जाता है बच्चे लोग, इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप देख रहे हैं अभी स्कूल क्लास चालू है, सारे बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में, एक मतलब इन लोगों का हाजिरी बनता है 9 बजे से 4 बजे तक का। ये लोग आते हैं 11 बजे और जाते हैं 1 बजे, या अटेंडेंस देख सकते हैं। तो अभी कितने शिक्षक मौजूद है इस स्कूल में ये बताइए? अभी मात्र मतलब 6 शिक्षक है, जिसमें से भी मतलब यहाँ पे 2 शिक्षक याद आए हैं। तो आप लोग का आरोप क्या है? हम लोग का आरोप है कि यहाँ का विधि व्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त है, ये लोग अपने मनमानी चलाते हैं स्कूल। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ रसोई घर के हैं जो खाना बनाते हैं बच्चों के लिए मिड डे मील से, तो उनसे हम ज़्यादा कुछ पूछेंगे कि अच्छा आंटी यहाँ पर आप खाना उना बनाते हैं, तो एक बात बताइए कि कितना बजे आप आते हैं खाना बनाते हैं? 9 बजे देखिए ये आते हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा शिक्षक कितना बजे आते हैं? रविंदर सर बोला है ना, तो वह आके 9 बजे स्कूल खोल देता है। अच्छा, तो एक बाद में सब लोग अपन धीरे धीरे। कितना बजे आते हैं? सही सही बोलिएगा एकदम दादी, आपका उम्र भी अब हो चुका है, आपका भी बच्चा पढ़ता होगा सरकारी स्कूल में। गरीब लोग पढ़ते हैं कि अपना भविष्य को उज्ज्वल करे, सही सही बताइए शिक्षक कितना बजे आते हैं? कोई 10 बजे आते हैं, कोई 10:30 में, कोई 11 बजे भी आते हैं। अच्छा कितना बजे यहाँ से शिक्षक लोग रवाना हो जाते हैं? रवाना तो बच्चा से खाना खा के अपना 2 बजे सब अपना चल जाता है। यानी स्कूल का टाइमिंग देखिए, 11 बजे हम आएंगे और 2 बजे रवाना हो जाएंगे, और पैसा अगर ना मिले तो धरना प्रदर्शन करेंगे। बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जेब फुल होना चाहिए। अब देखिए हम अंदर जाएंगे और अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ है। अब देखिए HM भी है अंदर, अब HM है या नहीं वो हमें पता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट आए हैं और वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्लासरूम में चलते हैं कि क्लासरूम में देखिए क्लासरूम में एक शिक्षिका है जो पढ़ा रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। चलिए वो अभी पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है। अच्छा बाबू एक मिनट, इधर बंदूक नहीं है, माइक है, समझा, डरो नहीं। एक बात बताओ यहाँ पढ़ाई करने आते हो? कितना बजे स्कूल खुलता है सही सही बताओ तो? 10 बजे। और तुम कितना बजे आते हो? 9:30 बजे। अच्छा अच्छा, आधा घंटा खेलते हो कूदते हो लेकिन टीचर नहीं रहते। अच्छा एक बात बताओ कौन क्लास में पढ़ते हो? दूसरा क्लास में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ कि कितना बजे छुट्टी होता है, घर तुम कितना बजे चले जाते हो? सही सही बोलना, कोई दिक्कत नहीं। 2 बजे। और शिक्षक लोग कितना बजे जाते हैं यहाँ से? 3 बजे। देख लीजिए ये स्टूडेंट है दूसरी क्लास का विद्यार्थी ने बताया, HM जी है और इनसे हम पूछेंगे हेडमास्टर साहब क्या कुछ कहेंगे। सर सबसे क्या है?
उपेंद्र राम यहाँ के आप एचएम हैं? जी सर हैं। सर एक बात बताइए कि यहाँ पर जो ग्रामीण का आरोप है कि शिक्षक समय पर नहीं आ पाते, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितना बजे आते हैं और कहाँ से आते हैं? हम समस्तीपुर से आते हैं। समस्तीपुर से आते हैं, तो सर आप कितना बजे आते हैं? हम 9:30 तक चले आते हैं, कभी 10 से 5। सर इस स्कूल में टोटल कितने शिक्षक की बहाली हुई है? 6 शिक्षक। तो आप एक है, एक मैम अंदर है, तो 4 शिक्षक कहाँ हैं? 2 तो है विशेष अवकाश, एक विशेष अवकाश में है और एक नौ बजे आते हैं। सही सही बोलिएगा सर, 9:30 में आते हैं हम। 9:30 में क्यों आते हैं, 9 बजे क्यों नहीं आते? समस्तीपुर से आते हैं हालांकि। और शिक्षक कहाँ से आते हैं सर? और तो आपको तो बेला गोपी के हैं, बेला गोपी यहाँ से शायद 5 से 10 किलोमीटर दूर होगा, ये 2.5 किलोमीटर। देखिए ग्रामीण बोल रहे हैं 2.5 किलोमीटर, तो ये जल्दी आ जाते हैं लेकिन शिक्षक नहीं आते। सर आपका बात का वैल्यू क्यों नहीं होता है यहाँ पर, ये बताइए, आप एच एम हैं यहाँ के? वो तो बुझाता है कि दूर से आते हैं ये लोग, गाँव के हैं, गाँव वाले ही मनमानी करेंगे, इनका सम्मान भी नहीं दिया जाता, वैल्यू भी नहीं है इनका यहाँ पर। इनसे हम पूछेंगे सर आपका यहाँ पर वैल्यू कितना परसेंट है, सही से बताइएगा। आपसे कोई जोर जबरदस्ती हमने नहीं है और हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। ले हम तो कहते हैं हम दूर का थोड़ा हैं, आधा घंटा। अच्छा सर आप सब नहीं बोलते हैं? अच्छा क्या बोलते हैं? लेकिन वो लोग मनमानी करते हैं, हम क्या करें। कौन कौन शिक्षक, 4 शिक्षक का नाम बताइए सर आपको। जो रविंद्र महतो जो है नज़दीक के हैं, उनको तनखा समय से आना चाहिए, तो वही आते हैं और लेट करके। देखिए हम क्या, 4 शिक्षकों का रजिस्टर्ड यहाँ मेंशन है या नहीं वो आप हमको सबसे पहले दिखाएंगे कि 4 को जो सर आते हैं, टीचर आते हैं, उनका डायरी कितना बजे मेंटेन होता है वो दिखाइए आप हमको सबसे पहले। अगर डायरी में झूठ पकड़ा गया तो फिर सर देख रहे हैं आपको, सब लाइव देख रहा है, इससे अच्छा है कि आप खुद बोल दीजिए कितना बजे सभी लोग आते हैं और डायरी कितना बजे मेंटेन होता है। मेंटेन 9 बजे होता है। 9 बजे देखिए अब डायरी भी ये दिखा रहे हैं, हालांकि छोड़िए ये डायरी दिखाने का वक्त हमारे पास नहीं है, सवाल जवाब करना है। तो 9 बजे डायरी मेंटेन हो जाता है, शिक्षक 11 बजे आते हैं। देखिए यही मनमानी है सरकारी स्कूल की और बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की ये मनमानी है। और यहाँ पर भी एक ग्रामीण है, आप ग्रामीण हैं दादाजी है, बुजुर्ग है, सरपंच है आप? पंच है। अच्छा एक बात बताइए, ये बहादुरपुर है पंचायत कौन सा है? बकरी पंचायत। अच्छा बकरी पंचायत में ये स्कूल है और आप पंच भी है, तो इस स्कूल का निगरानी के लिए आप कितना कुछ करते हैं? निगरानी के लिए लोग आता है देख करके, अब ये लोग पहुँचे हैं तब न, ग्रामीण तो जैसे अपना अपना काम में भी रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आते हैं यहाँ सबसे पहले जो 8वां तक के यहाँ क्लास है और जो 7वां में बच्चा पढ़ता है उसको जैसे नाम भी लिखने नहीं आता है। हाँ। नाव लिखने नहीं आता। कितना क्लास का बच्चा? 7वां के जी। देखिए सरकारी स्कूल इसके बाद जो है अच्छा। जो 8वां क्लास तक के यहाँ बच्चा पढ़ता है, 8 साल बच्चा को जीवन बर्बाद हो गया, 8 साल अपना घरे काम करता वो भी छूट गया, 8 साल में यहाँ पढ़ नहीं पाया, अब 11 बजे वो ऐबे करेंगे। आ इसके बाद जैसे अब 6 गो मास्टर के बजाय जैसे 2 गो आया है। अच्छा आ इसके बाद जो है सो 1 बजे खिचड़ी बनता है, सब बच्चा खिचड़ी खाया चल दिया घर। अब देखिए स्कूल की थोड़ी सी स्थिति भी देख लेते हैं कि स्कूल में किचन सेट कैसा है और उसके बाद शौचालय कैसा है। किचन सेट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम कल देखेंगे चापा कल, क्योंकि बच्चों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है पानी। देखिए यहाँ कल चलाए और ये देखिए पानी निकल रहा है, आपको दिख रहा है ना पानी, तो ये देखिए इधर से कल चलाए और इधर से पानी निकल गया। अब चलिए शौचालय की बात करते हैं, तो शौचालय भी आप देखिए वहाँ दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरह से है। आप देख सकते हैं ये शौचालय है और यहाँ पर किस तरह से क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये जंगल भी साफ नहीं किया गया है, अंदर कौन जाएंगे भगवान जाने, अब हमें तो पता नहीं। चलिए यहाँ पर शायद एक बोर्डिंग भी था वो भी शायद काट के फेंक दिया गया। इसमें हम शिक्षक का आरोप बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ये ग्रामीण का ही सब होगा और सिस्टम ही कहीं ना कहीं ख़राब है यहाँ पर। और देखिए एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ऐसा देखने को मिला है, कल रहता है तो कल गायब, मोटर रहता है तो मोटर गायब, यानी कोई भी सामान गायब, तो वो शिक्षक की काम नहीं है, वो जो है ग्रामीण लोगों की ही काम है। तो इसमें हम शिक्षक की थोड़ी भी बुराई नहीं करेंगे, जो सच है वो सच दिखाएंगे। अब किचन सेट में आए हैं तो देखिए किचन सेट किस प्रकार से है, कहीं भी राशन का कोई सामान आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी देखिए 11 बज चुका है लेकिन खाना
खाना देखिए क्या बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बताइए हमको कि यहाँ पर खाना अभी तक नहीं बना है, अभी तो आप बोल रहे थे कि खाना बन जाता है 9 बजे, तो अभी तक खाना बना क्यों? सर नहीं है सिलेंडर, सिलेंडर नहीं है। हाँ, होली से पहले से 3 दिन पहले से हम खबर सिलेंडर नहीं है, यानी 15 दिन से खाना नहीं बन रहा है। कल्ले बन रही है, आई न है सिलेंडर, सिलेंडर होली से पहले। तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो किसको आप देना चाहेंगे जिम्मेदारी? वेंडर आप बताए तो वेंडर का ही काम है ना ये सब काम करना। तो वो खबर दे, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो कालो खुना बोले ना ये सिलेंडर खत्म है। किनको बोले थे आप ये सिलेंडर? जो जो खाना के जो अथी देते हैं ना सारा चीज। नाम क्या है उनका? उनका नाम हम ना जो नहीं। देखिए चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर कि जो शिक्षक लोग हैं स्टूडेंट सब लोगों को 9 बजे यहाँ पर बुलाते हैं और स्वयं 11 बजे आते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 9:30 में अगर दुर्घटना होती है, चूँकि जो स्कूल पढ़ता है सड़क के किनारे पड़ता है, तो 9:30 बजे अगर विद्यार्थी का दुर्घटना होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह हम पूछना चाहते हैं सर लोगों से। यानी बच्चे आते हैं लेकिन कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं नहीं, नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर HM साहब तो बोले थे कि यहाँ पर 9 बजे एक शिक्षक मौजूद हो जाते हैं गेट खुले? नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी शिक्षक गेट नहीं खुलता। कैसे बच्चा अंदर जाता कैसे? बच्चा सब ग्राउंड में ही रहता है और कुछ बच्चा जो है सो रोड पर रहता है। ये स्कूल का नाम क्या है एक बार ये बताइए? उत्कर्मित मध्य विद्यालय। अच्छा, मोबाइल अपना निकालिए और समय जरा हमारे कैमरा में दिखाइए, क्योंकि लोगों को ये भी लगेगा कि हम शायद 9। समय जो अभी समय दिखाइए, 11:20 हो। देखिए समय 11:20 हो चुका है और ऑलमोस्ट अभी 20 मिनट पहले ही स्कूल का जो दरवाजा है वो खुला होगा यहाँ पे, यानी 11 बजे। और विद्यार्थी लोगों को 9 बजे इन्फॉर्म किया जाता है कि वह सब स्कूल में प्रेजेंट रहे और शिक्षक स्वयं आते 11 बजे। तो अगर दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो आप लोगों का मांग क्या है सो बताइए। हम लोगों का मांग है कि जो समय है शिक्षक लोग समय से आए, नहीं तो विद्यार्थी लोगों को नहीं बुलाए। पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ाई होती है यहाँ पर या फिर सिर्फ बच्चे खिचड़ी खाने? विद्यार्थी लोग खाने आते हैं, उन लोगों का शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है। आप चल कर पूछ सकते हैं कुछ विद्यार्थी से सवाल। जब हम अंदर में गए थे क्लास में तो जो स्टूडेंट 7th में पढ़ता है उसको वहाँ पर कमल के फूल बनाने के लिए जो आज एग्जाम है उन लोगों का, और बोला गया है क्वेश्चन में कि कमल का फूल बनाए 7th क्लास के स्टूडेंट। हालांकि आपका शिक्षा का स्टैंडर्ड यहाँ, हालांकि इनका कहना आरोप है कि बच्चे पढ़ाई सही से नहीं करते क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं। अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अंदर शायद एग्जाम चल रहा है और अभी हम फिर से क्लास रूम में जाएंगे, लाइव तस्वीर दिखाएंगे। देखिए 11:30 हो चुका है और यहाँ पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। सीधा आप देखिए कि कहीं भी आपको शिक्षक मौजूद नहीं दिखेंगे और यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे से कुछ सवाल जवाब करेंगे। बाबू कौन से क्लास है ये बताइए तो आप? तीसरा क्लास है। क्या नाम हुआ आपका? राधा कुमारी। राधा कुमारी कहाँ से आते हैं आप? बहादुरपुर। क्या करते हैं आपके पिताजी? बस चलाते हैं। देखिए यहाँ पर गरीब लोग ही पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। अच्छा बस चलाते हैं तो आपके पापा यहाँ पर क्यों भेजते हैं ये बताइएगा? पढ़ने के लिए। आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कितना बजे आते हैं? टीचर तो है ही नहीं। बहुत लेट आते हैं सर। सर जी बहुत लेट आते हैं। कितना बजे आते हैं? 10:11 बजे। और आप कितना बजे आते हैं? 9 बजे आते हैं और शिक्षक 2 घंटा लेट आते हैं। तो आप लोग इसके लिए जो है कंप्लेन अपने पापा मम्मी को नहीं करते हैं? देखिए बच्चा है, डर भी है बच्चे के अंदर में, क्या बोलेगी ये? ये आंगनवाड़ी केंद्र है लेकिन ये आंगनवाड़ी केंद्र कब से बंद पड़ा है इसकी तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ, हम कि ये आंगनवाड़ी केंद्र ये क्या है? बाबा एक बात बताइए, आंगनवाड़ी केंद्र? ये आंगनवाड़ी है तो ये बंद रहता है क्यों? बंद कोनो दिन आए देखिए ना, अभी ये देखिए ना डायरेक्ट ये अभी का बज रहा है, अभी तो ताला लगा हुआ है, ताला तोड़ भी नहीं सकते हम। यही बात है, यही सब यहाँ का। तो यानी आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलता है? जगह एक कौन सा जगह है? ये बहादुरपुर है, 1 नंबर वार्ड है, बकरी पंचायत है। अच्छा यहाँ के मुखिया जी कौन है? मुखिया जी है, और मुखिया जी का कथी नाम है? मुखिया जी आते हैं कि नहीं कभी स्कूल के निरीक्षण करने के लिए? ना एक दिन नहीं आए। देखिए मुखिया जी नहीं आते और मुखिया जी से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि मुखिया जी आप पंचायत के प्रधान हैं, यानी आप पंचायत के मुखिया है, मुख्यमंत्री है अपने पंचायत के, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने स्कूल में आइए, निरीक्षण कीजिए और देखिए हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं गरीब लोग के बच्चे ही पढ़ते हैं यहाँ पर, जो अमीर लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब
पिता अभी बताए कि बस चलाते हैं, किसी तरह से मजदूरी करते हैं, वो लोग इस स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं लेकिन उनका पढ़ाई किसी तरह से नहीं हो पाता है। अब बताइए 11 बजे बच्चा आएंगे और 2 बजे घर जाएंगे, अब पढ़ाई होगा नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाने आएंगे तो करेंगे क्या। तो इसी तरह के तमाम खबर की एक और आंटी है जो कुछ बोलना चाहती है, खिचड़ी बनाती है, क्या बोलना चाहेंगे, कौन बोलना चाहेंगे खिचड़ी के बारे में, क्या बोलना चाह रहे हो खिचड़ी के बारे में? क्या सामान नहीं है सर, सिलेंडर खत्म हो गया, कौन बना है, 2 सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर नहीं से खाना बनो, अंडा उंडा मिलता है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा सिलेंडर खत्म हो गया तो कौन सिलेंडर भरवा के देगा? वो ब्लॉक से आता है, ब्लॉक से आता है, यानी शिक्षक का कोई रोल नहीं है इसमें, शिक्षक कुछ नहीं करेंगे ना? देखिए यहाँ पर बात कैसे हो रहा है, शिक्षक कुछ करेंगे ही नहीं, खाना बने चाहे नहीं बने कोई मतलब ही नहीं है। इनका वेंडर कौन है, इनको ये भी नहीं पता होगा आपका वेंडर कौन है जो खाना बनाता है? खाना और रविंदर सर, तो वो ऑर्डर होली से पहले दिया। देखिए छोड़िए, साफ साफ पता चल रहा है कि स्कूल की रवैया क्या है और इसी रवैया को देखने के लिए हम यहाँ पर आए। हालांकि ये रवैया जो है बहुत दिन से चलती आ रही है और बहुत दिन से हमें कॉल पर कॉल भी आता रहा, हम आ नहीं रहे थे, और अब जो हम आज आए हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए हैं। और अगर आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है और शिक्षक मनमानी करते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके पास भी आएंगे और उनका भी पोल खोलेंगे। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।